पूरे हरियाणा में हुए जाट आंदोलन से नुकसान को लेकर लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है और जिनका नुकसान हुआ है उनकी सहायता के लिए लोग आगे आने लगे हैं। इसी को लेकर आज सिरसा में भी समाजसेवी संस्थाओं, व्यापारियों और शहरवासियों के साथ 35 बिरादरी के लोगों ने बैठक की। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि सिरसा शहरवासियों की तरफ से दंगा पीड़ितों की हर संभव सहायता की जाएगी और साथ ही 27 फरवरी को सिरसा में शांति भवन यज्ञ किया जाएगा और रोष स्वरूप काले बिल्ले लगाकर शहर भर में मार्च करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें ये मांग की जाएगी कि पीड़ितों को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता दी जाए और जो भी इनमें दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही लोगों ने कहा कि इस समुदाय का बहिष्कार कर इनके प्रतिनिधि को वोट न देने की अपील भी लोगों से करेंगे। वहीं जिन राजनीतिक लोगों का नाम इनमें आ रहा है उनकी सीबीआई जांच करवाने की बात कही जा रही है। सभी ने आज मिलकर ये प्रोग्राम बनाया कि सुबह शनिवार सुबह 27 तारीख को सारे इकट्ठे होंगे सुबह 10 बजे यहाँ और उसके बाद यहाँ हवन यज्ञ करके बाजारों में से होते हुए रोष मार्च और शांति मार्च निकाल के यहाँ से बाजारों में से होते हुए डीसी को ज्ञापन देंगे। यहाँ टाउन पार्क में इकट्ठे होंगे हम, यही हमारा प्रोग्राम है। तो हर कोने कोने से व्यापारी वहाँ प्रतिनिधि पहुँचे और उनको इतना रोष था और प्रशासन के प्रति भी, उनके सामने प्रशासन डीसी एसडीएम और जो भी बड़े बड़े अधिकारी थे उनके सामने आग लगाई गई है और उनको सामने इशारा कर करके आग लगाई गई। आप बड़े दुख की बात है और सरकार उनको पारितोषिक कर रही है उन अधिकारियों को। तो हमने मांग रखी कि अगर जो उनको 15 तारीख तक अगर जो उनको मतलब मुआवजा नहीं दिया, पूर्ण मुआवजा नहीं दिया गया तो 17 को सारा हरियाणा बंद करेंगे, सारा हरियाणा बंद करेंगे। रेल बजट के पेश होते ही कटिहार रेल मंडल प्रबंधक ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पश्चिम बंगाल के हल्दीबाड़ी से सिल्लाहट रेल मार्ग से जुड़ेगा। जब बांग्लादेश भारत के मानचित्र में था तो रेल लाइन मौजूद थी, जब देश से बांग्लादेश अलग हुआ तो रेल लाइन बंद हो गई। कटिहार रेल मंडल के लिए बड़े गर्व की बात है, जो लाइन पिछले 50 सालों से बंद थी उसका प्रोजेक्ट पारित हो गया है। इस प्रोजेक्ट के पारित होने से बांग्लादेश वासियों और भारतीय लोगों को लाभ मिलेगा। आने वाले दिनों में उम्मीद कर सकते हैं कि समझौता एक्सप्रेस की तरह उधर भी गाड़ियां चलेंगी। वो हल्दीबाड़ी से सिलाहाटी जब आपके अनडिवाइडेड इंडिया था तो रेल लाइन मौजूद थी, जब कंट्री अलग हो गई तो रेल लाइन बंद हो गई। लेकिन ये बड़े हर्ष की बात है, कटिहार मंडल के लिए गर्व की बात है कि वो 34 करोड़ रुपए से जो लाइन पिछले 50 साल से लगभग बंद रही होगी उसका प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया है। उससे हमारे जो भाई बांग्लादेश के हैं या जो इंडिया के हैं उधर के रहने वाले हैं आने वाले दिनों में उम्मीद कर सकते हैं कि समझौता एक्सप्रेस की तरह इधर भी गाड़ी चले। जनपद संभल के थाना नखासा क्षेत्र के सिरसी कस्बे में चचेरे भाई की शादी समारोह से लौट रहे बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में मरने वाले दोनों युवक सगे भाई बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मृतक युवकों के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। दो सगे भाइयों की मौत की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया है। अचानक युवकों की मौत होने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे भाई की शादी में तो बिलारी से आ रहे, लौट रहे थे, लौटते से वक्त से कहाँ पर ये के नाम पीछे घर के पास गाड़ी से थाने से पहले तो कहाँ से आ रहे थे दोनों? बाइक से, दोनों भाई थे। दोनों सगे भाई हैं? दोनों सगे भाई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मिशन को परवान चढ़ाने में अब देश के युवा भी जुट गए हैं। इसी उद्देश्य से जौनपुर में एनसीसी कैडेटों ने विशाल स्वच्छता रैली, नशा मुक्ति रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। साथ ही कैडेटों ने प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मिशन की जानकारी भी दी। इस दौरान छात्र छात्राएं पोस्टर और बैनर के साथ नारे लगाते हुए जन जागरण करते दिखाई दिए। सप्त दिवसीय शिविर का आज पांचवा दिन है। हमारी ये छात्राएं अपने विश्रामालय से निकल करके सभागार से मलिन बस्ती मतापुर और लाइन बाजार जैसी चौराहा ये सब ये लोग रैली आज निकालेंगी और उस रैली में इनका नारा ही है भारत को स्वच्छ बनाना है। साथ में जो आज की बहुत बड़ी समस्या है नशाखोरी की और तंबाकू सेवन की, जिससे कि समाज को बहुत नुकसान हो रहा है, रोग का स्वास्थ्य नुकसान हो रहा है, कैंसर जैसी बड़ी सी बीमारी आ रही है। तो हमारी छात्राएं जो है स्वयं सेविकाएँ उससे लोगों को जागरूक करने के लिए आज ये तख्तियों पे नारे लिख करके रैली निकाल रही हैं। कटिहार
के सहायक थाना क्षेत्र में एक केला व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक केला व्यवसायी को अज्ञात अपराधियों ने दो गोली मारी, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक कटिहार के कोड़ा थाना क्षेत्र के सिमरिया गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। मृतक का नाम पेशकार अली था। मृतक के परिजनों की माने तो मृतक हर दिन की तरह केला लेकर कटिहार मंडी बेचने जा रहा था, तभी अज्ञात अपराधियों ने घेर कर उसको दो गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल सबके सामने ये सवाल है कि उसकी हत्या क्यों की गई और किसने की। पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई। आज भी सुबह 4 बजे आया, केला लेके आए और 5:30 बजे तरफ फोन आता है कोई गोली मार दिया, जो उसके और जो साथी लोग थे पीछे में वो लोग आगे गोली मार दिया। तब आए हम लोग तो यहाँ पे, हम लोग को पता ही नहीं चल रहा गोली कहाँ पे लगाए नहीं लगाए। कितनी गोली मारी गई है? 2 गोली लगा। रोजाना उसका काम है मानी केला खरीदना और बेचना बाजार में आकर के। क्या लगता है क्या लगता है क्यों मारी गई गोली, कुछ पता चल? कुछ तो पता नहीं चल रहा है। इसे पैसा से छीनने की कोशिश की गई ऐसा कुछ? ऐसा भी नहीं बुझा रहा है, क्योंकि वो तो पैसा मतलब केला लेकर आ ही रहा था तो पैसा उसके पास होगा क्या। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन में एक वकील की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। गोली लगने के बाद जब वकील को अस्पताल में लाया गया तो वकीलों का आरोप था कि अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही बरती, जिससे नाराज वकीलों ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ कर दी। वहीं अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि वकील मृत अवस्था में आया था, उसके अटेंडेंट ने तोड़फोड़ की है। वहीं इस मामले में मुरादाबाद पुलिस का कहना है कि इस हत्या का जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये वकील साहब प्रैक्टिस कर रहे हैं अखबानपुर से, प्रतिदिन कचहरी आया करते थे और वापस जाते थे। आज ये करीब 4 बजे वहाँ से निकले हैं कचहरी से, रास्ते में इनको कॉस्मोस से आगे किसी ने गोली मार दी और ये आगे जाके गिर पड़े। वहाँ के स्थानीय लोगों ने इनको अस्पताल में भर्ती कराया। कचहरी में जब पता चला तब कचहरी से सैकड़ों वकील अस्पताल पहुंचे और यहां अस्पताल वालों का व्यवहार देख के आक्रोशित हो गए। अस्पताल में किसी भी डॉक्टर ने जो देख रहे थे, इनकी देख रेख कर रहे थे, उन्होंने पूरा प्रयास करा गोली ना लगने का कि गोली नहीं लगी, बताया नहीं 2 घंटे तक। एकदम शॉर्ट इंजरी आया था, ब्रोन डेड था, एक्सपायर मरीज आया था, उसके अटेंडेंट ने तोड़फोड़ करी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक LKG छात्रा को स्कूल के टीचर ने इतना मारा कि उसकी नाक और मुंह से खून निकल आया। इस मासूम बच्चे की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसकी फीस 1 माह लेट हो गई थी। आरोप है कि इसी के चलते स्कूल प्रिंसिपल और एक अन्य टीचर ने इस मासूम की बेरहमी से पिटाई। पीड़ित बच्ची के पिता ने टीचर के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। वहीं शिक्षा विभाग आरोपी टीचर और स्कूल पर कार्रवाई करने की बात कह रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? LKG। किसने मारा था आपको? क्यों? ये टीचर संजय है और एक इनकी मैम है, मैम का नाम मैं नाम नहीं जानता। वो दोनों बैठी हुई थी क्लास में, रूम में, ऑफिस में। बच्ची अभी पढ़ती कुछ नहीं हुआ मेरे स्कूल में। नहीं तो उसकी नाक से खून क्यों बह रहा था? उसकी नाक से खून इसलिए बह रहा है, उसके बाप ने उसकी पिटाई करी है हमें बदनाम करने के लिए, और इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूंगी। मुस्कान पब्लिक स्कूल में ऐसा मामला हुआ है तो शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है इसके तहत पूरी तरह से किसी भी बच्चे को मारना, पीटना, डांटना, भय दिखाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है कि इसी तरह के अध्यापक ने किसी बच्चे को मारा है। ये चूँकि एक मान्यता प्राप्त स्कूल की घटना है तो इसलिए मुझे पता लगा कि संबंधित अभिभावकों ने भी उनके खिलाफ FIR के लिए तहरीर दी है। इसके साथ बच्चे का मेडिकल भी कराया जा रहा है और साथ ही जो स्कूल है उसे मान्यता समाप्त करने का भी नोटिस दिया जाएगा और उसे तुरंत कहा जाएगा कि संबंधित अध्यापिका जिन्होंने उस बच्चे को मारा है उसे तत्काल उसे विद्यालय से हटाते हुए उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई। हमने लोगों को यह कहते सुना है कि जब तक इस दुनिया में अच्छे लोग हैं तब तक ऊपर वाला इस दुनिया को चलाता रहेगा, क्योंकि अच्छे लोगों के व्यवहार से ही दुनिया चलती है। आज के इस दौर में भाई भाई के काम नहीं आ रहा, लेकिन इस दौर में भी एक इंसान है जो गरीबों के बारे में सोचता है और उनकी परेशानी को दूर करने के लिए हमेशा आगे खड़ा रहता है बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी भी जाति का हो। उस इंसान का सिर्फ एक ही मकसद है कि गरीब की परेशानी को दूर करना, और वो महान शख्सियत है रेडिको खेतान के डायरेक्टर KP सिंह, जो हर
हर मजलूम की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। रामपुर की रेतान कंपनी के डायरेक्टर केपी सिंह ने आज वीर खालसा सेवा समिति को एक शव वाहन की चावी सौंपी और एक शव रखने का रेफ्रिजरेटर वाला बॉक्स भी दिया। ये शव वाहन हर जाति के लिए है, कोई भी इसको ले जा सकता है और यह सेवा बिल्कुल मुफ्त रहेगी। इस अवसर पर खेतान के डायरेक्टर केपी सिंह का कहना है कि वीर खालसा सेवा समिति के लोग समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं और इनका एक शव वाहन था जो कि बहुत पुराना था, इसलिए इनको एक नया शव वाहन प्रदान किया गया है। ये मन में आया था वीर खालसा तरफ से कि उनकी गाड़ी बहुत पुरानी हो गई है, उनकी गाड़ी की जरूरत है और साहब इमीडिएटली मैंने उनको कॉल कर दिया था। कोई भी समाज का कोई भी अच्छा काम होता है खासतौर से वीर खालसा दल, इसमें इतना सेवा भाव है, उनको सहयोग करने में मुझे बड़ी खुशी होती है। पहले भी कई बार कार्यक्रम कर चुके हैं तो उनका सेवा भाव देख के हर समाज के लिए मैंने इमीडिएटली उनको हाँ भी भर दिया था और ये बोल दिया था अपनी इच्छा की कोई भी बस ले लो, कोई भी अच्छे से अच्छी बॉडी बना लो, उसका पूरा खर्चा हम लोग करके देंगे। देश में मदरसों को पिछड़ा और समय के साथ कदमताल न करने वालों की लिस्ट में समझा जाता था क्योंकि मदरसों की शिक्षा पद्धति पुरानी और धार्मिक थी, लेकिन समय के साथ अब मदरसे भी आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला मऊ शहर के कासिमपुरा स्थित दारुल उलेमा मदरसे में, जहां अब मदरसे के बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ मुफ्त कपड़ा रोटी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस मदरसे में देश के कोने कोने से गरीब मुस्लिम वर्ग के बच्चे पढ़ने आते हैं। इस दौरान अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और पूर्व चेयरमैन मौजूद रहे। देखिए ये दारुल हदीस एक इदारा है और उस इदारे में मदरसा दारुल हदीस और दारुल हदीस इंटर कॉलेज बहुत सारे इदारे इनके काम कर रहे हैं, हज़ारों बच्चे इनके वहाँ तालीम हासिल करते हैं। तो इन्होंने बहुत बेहतर आज शुरुआत करी है कि इन्होंने जो इनके हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं उन्हें खाना फ्री दिया जाता है और उनके रहने का इंतज़ाम फ्री है और तालीम भी फ्री है। इन्होंने एक बेहतर शुरुआत करी है कि इन्होंने बच्चों को फिल्टर पानी और चिल्ड वाटर ठंडा पानी भी देने का इंतज़ाम किया और चार मशीनें इन्होंने एक साथ मंगाई हैं और मैं इन्हें बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि मुफ्त में तालीम के साथ साथ बच्चों को पीने के साफ पानी का भी इंतजाम किया। देखिए आज दरअसल जामे असरफिया दारुल हदीस एक मदरसा है, एडेड मदरसा है और यहाँ पे आज एक कार्यक्रम है और इसमें विशेष रूप से बच्चों में यूनिफॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन और वाटर प्योरीफायर ये आज इनाग्रेशन किया गया है। टाउन एरिया चेयरमैन साहब भी थे, CTSTU साहब थे, सीनियर ट्रेजरी ऑफिसर गवर्नमेंट। इसमें विशेष रूप से चूंकि ये पहला शुरुआत है इस मदरसे के माध्यम से जनपद में, तो इसके लिए मैंने समस्त मदरसों को यह पत्र लिखूंगा, उनकी मीटिंग बुलाऊंगा इसी हफ्ते और मैं उनको एक अलार्मिंग टाइम दूंगा कि वो मार्च तक अपने मदरसे लगभग जो है 38 मदरसे एडेड हमारे हैं वो जिसमें से 19 मदरसे ऐसे हैं जहाँ हॉस्टल हैं, उन 19 मदरसों में पहला मेरा वहाँ पे होगा कि इन मदरसों में विशेष रूप से वाटर फिल्टर या RO लगवाएं और इसके लिए वो कोशिश करें कि जो संबंधित बैंकों के माध्यम से, क्योंकि बैंकों में भी तमाम जो है सोशल वर्क के लिए फ़ंड आते हैं तो जहाँ से उनको सैलरी जाती है उन बैंक को संपर्क करें। मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, लीड बैंक मैनेजर से रिक्वेस्ट करूँगा और विशेष रूप से जो नगर पालिका के चेयरमैन साहब हैं उनसे ही मैं अनुरोध करूँगा। मेरठ की जानी थाना पुलिस और जोनल क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई के बाद लूट और हत्या के मामले में फरार चल रहे दो इनामी बदमाशों सहित 5-7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से एक कार्बाइन, 9 mm की पिस्टल, 2 राइफल, 2 तमंचे, 1 दर्जन कारतूस और 1 सेंट्रो कार और एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की है। DGP ने इनामी बदमाश पकड़ने वाली इस टीम को 50,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। SSP मेरठ और उनकी टीम, SOG की टीम जो राजकुमार शर्मा और उनकी पूरी टीम और SP सिटी मुजफ्फरनगर और उनकी टीम, इन लोगों को बधाई मिलनी चाहिए कि यह एक गैंग कल रात मुठभेड़ के बाद जानी क्षेत्र से गिरफ्तार हुआ है। इसमें सौरभ मलिक और नितिन, इनके अलावा 3 और अपराधी हैं। ये बहुत कुख्यात अपराधी हैं, इन्होंने 2 जेल में बहुत सेंसेशनल मर्डर्स किए थे, 2014 में देवेंद्र का और 2015 में विकी त्यागी का मर्डर मुजफ्फरनगर में किया था। इसके अलावा अभी 2015 दिसंबर में इन लोगों ने एक प्रॉपर्टी डीलर अमित शर्मा का मर्डर किया था कविनगर क्षेत्र गाजियाबाद में। इनकी गिरफ्तारी से जो वेपन्स रिकवर हुए हैं उसमें एक कार्बाइन रिकवर हुआ है,
एक 9mm पिस्टल रिकवर हुआ है, दो राइफल्स रिकवर हुए हैं, कुल 5 वेपन्स रिकवर हुए हैं, कारतूस रिकवर हुए हैं। मिर्जापुर में एक शादी समारोह का जश्न उस समय मातम में बदल गया जब बारात में आए 17 साल के युवक पर आर्केस्ट्रा के समय डांस को लेकर हुए विवाद में बारात में ही आए एक अन्य युवक ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चला दी। गोली वरुण के पीठ में लगी। गोली चलते ही पार्टी में भगदड़ मच गई। आनंद फानंद में युवक को इलाहाबाद के नर्सिंग होम ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बारात इलाहाबाद जनपद के करछना से दुबहा गांव में रामशंकर पांडे के यहां आई थी। मृतक इंटर का छात्र है, वह बोर्ड की परीक्षा भी दे रहा था। घटना के बारे में बताते हुए मृतक के परिजनों का कहना है कि आर्केस्ट्रा में गोली चलने के दौरान बच्चे को गोली लग गई। वहीं दूसरी तरफ आरोपी स्कूल टीचर बताया जा रहा है। बारात गई थी गांव से यहां दुबहा में, वहीं बारात में मेरा लड़का गया था तो आर्केस्ट्रा में रिवॉल्वर से गोली चल गई। अब धोखे में हुआ क्या हुआ, एक मौके पर मैं तो था नहीं और वहीं पे डेथ हो गई। तो फिर बारात में तो मेन मालिक से तो वहां कोई था नहीं, वो द्वार पूजा हो रहा था वहां पर। हाँ, और बारात मालिक ने कहा था कि जब हम आएंगे तो आर्केस्ट्रा चालू करना, और लोग यहां पहले चालू कर दिए। और वहीं स्टेज पर चढ़ के फायर करना चाहा तो लोग बता रहे थे कि 2-3 फायर नहीं हुआ उसका। उसके बाद कुछ लोग बीच बचाव किए, किसी आदमी को शायद कुछ इधर उधर भी बोला था वो, तो बीच बचाव में हुआ। उसके बाद वो पीछे आके उसकी रिवॉल्वर जो है उसका जो पट्टा लगता है ना बेल्ट, वो अरस गया, फंस गया। लोग यही बता रहे हैं, अब पता नहीं क्या हुआ, दब गया, फायर हो गया और लड़के के यहाँ पीठ पे जाके गोली लग गई। कल दुबहा गाँव के थाना जिगना के रामशंकर पांडे जी के यहाँ बच्ची की शादी के संदर्भ में बारात रचना से आई थी, तो बराती लोग द्वारचार वगैरह के सारी क्रियाकलाप पूरा करने के बाद यहाँ एक्स्ट्रा नए डांस हो रहा था, तो उसी डांस के परिप्रेक्ष्य में कहा सुनी हुई है एक वरुण बच्चे से और उनके एक बराती थे टीचर सुशील शुक्ला से। सुशील शुक्ला लाइसेंसी थे और उनके पास अपनी रिवॉल्वर थी, उससे उन्होंने फायर किया जो उसकी पीठ पर लगा, जिससे उनकी उस बच्चे की डेथ हो गई। ये लोग तुरंत उसको लेकर के अस्पताल गए थे, ज्योति अस्पताल इलाहाबाद, वहाँ उसकी डेथ हुई है। सुबह आकर के उन्होंने सूचना दी है, उनके खिलाफ 302 का अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। बीती 23 जनवरी को मोदीनगर से अपहरण की गई किशोरी के घर में आज संदिग्ध रूप से आग लग गई। आग में जलकर लाखों का माल राख हो गया। किशोरी के परिजनों ने अपहरण करने वाले ही 4 लोगों के खिलाफ परतापुर थाने में नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। अपहृत किशोरी का परिवार मेरठ के परतापुर थाना इलाके के काशी गाँव में रहता है। किशोरी के पिता किराना व्यापारी है और किशोरी 12वीं की छात्रा है। किशोरी के अपहरण के बाद घर में आग लग जाने से परिवार में दहशत है और परिवार पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहा है। आजादी पार्टी की सरकार में पूरी तरीके से हिंदू समाज के साथ शोषण हो रहा है। 32 दिन से बच्ची को किडनैप किए हो गए, आज तक 32 दिन के बाद बच्ची का ना मिलना, मेन अभियुक्त का गिरफ्तार ना होना और 4-4 लोग जेलों के पीछे भी भेज दिया जाना, उनको रिमांड पे ना लेना, पुलिस की कार्य प्रणाली पे मुझे पूरी तरीके से मुझे संदेह है। और पुलिस की कार्य प्रणाली यह साबित करती है कि अपराधियों को बचाया जा रहा है और 5 मार्च को बच्ची क्योंकि बालिग होने वाली है, इसलिए मुझे लगता है शासन प्रशासन के नाक के दले बच्ची की शादी करा दी जाएगी, हिंदू समाज फिर अपमानित होगा। और जिस तरीके से आज भोर में बच्ची के घर में आग लगा दी गई, उसके माँ बाप और भाई उसी जगह सोते थे जहां आग लगी, सौभाग्य से वो लोग उस दिन ऊपर चले गए आज रात को, और बच्ची और आग लग गई, आग में सब तबाह हो गया। आपने देखा जी, हम रात में दूसरी मंजिल पर रात 11 बजे सोने चले गए थे तो निचली वाली मंजिल में हमारी जनरल स्टोर की दुकान है, उसमें आग लगा दी गई। 4 बजे सुबह में हमें पड़ोसियों ने देख लिया आग लगी हुई, धुआं निकल रहा था, तब मुझे उन्होंने आवाज लगाई, मैं बाहर आया तो आग पूरी और धुआं चारों तरफ था।